वेलकम टू द सीएम कॉमर्स कोटा। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपका। आज हम हमारे बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 2 के एक बिल्कुल नए टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने बच्चों आपसे बोला था कि हम बिल्कुल एक नए टॉपिक की बात करेंगे, क्योंकि हमने जो लास्ट वाली क्लास थी वहां पर हमने हमारे सहायक कार्य जो थे वो हमने पूरे कर लिए थे। तो आज हम बिल्कुल एक नए टॉपिक की बात करेंगे बच्चों, और जिसका नाम है प्रबंधकीय भूमिका। ठीक है बच्चों, ये है क्या? देखो बच्चों, एक जो मैनेजर होता है वो मैनेजर कई तरह की भूमिकाएं निभाता है। जैसे क्या है, हमारी मम्मा है ना, वो भी बहुत सारी भूमिकाएं निभाती है। वो क्या है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, ठीक है, किसी की बहू है, बहुत सारे रोल्स निभाते हैं। बिल्कुल एक मैनेजर भी बहुत सारी भूमिकाएं निभाता है। वो एक मैनेजर ही नहीं, बहुत सारे जो क्या है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि बहुत सारे कंपनी के रिश्तों को निभाता है, ठीक है। तो कौन कौन सी भूमिकाएं निभाता है बच्चों, हम उसको कैटेगराइज यहाँ पर कर सकते हैं, हम यहाँ पर उसको बांट सकते हैं बच्चों। तो पहली है बच्चों आपके अंतर वैयक्तिक भूमिका, सेकेंड है बच्चों आपके सूचनात्मक भूमिका, और थर्ड है बच्चों आपके निर्णयात्मक भूमिका, ठीक है। तो ये तीन तरह की भूमिकाएं बच्चों को क्या निभाता है। तो हम बच्चों यहाँ पर वन बाय वन करके देखेंगे कि एक जो मैनेजर है वो कौन कौन सी भूमिका है आपके निभाता है। तो सबसे पहले आज की जो वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों, वो हम बात करेंगे आपके अंतर वैयक्तिक भूमिकाएं, जो कि आपके प्रथम है, मतलब पहले, ठीक है। तो ये जो आपके मतलब यार अंतर वैयक्तिक भूमिकाएं हैं, यहाँ पर वो तीन तरह के रोल प्ले करता है। पहला रोल है वो संस्था अध्यक्ष, सेकेंड रोल है बच्चों नेता, और थर्ड रोल है बच्चों संपर्क अधिकारी। तो हम ये देखते हैं कि संस्था जो यार अध्यक्ष है, वो जो एक मैनेजर है, वो क्या किस तरह का रोल प्ले करता है। तो बच्चों यहाँ पर जो ये संस्था भी यार अध्यक्ष है, वो यहाँ पर संस्था की मुखिया का रोल प्ले करता है, मतलब सबसे ज्यादा मेन पर्सन, एक मेन पर्सन का रोल प्ले करता है, ठीक है। वो क्या है, संस्था का जो यार अध्यक्ष है, वो यहां पर संस्था का अध्यक्ष मेन काम क्या करता है कि जो भी कंपनी के वैधानिक प्रपत्र होते हैं, मतलब कंपनी के जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो वहां पर सिग्नेचर कर सकता है बच्चों, ठीक है। जैसे कोई भी व्यक्ति कहीं पर ये सिग्नेचर थोड़ी ना कर सकता है, जब आपको भैया उतनी शक्ति दी भी रहेगी, भैया आपके पास उतने अधिकार होंगे, तभी तो आप वहां पर सिग्नेचर कर सकते हो। तो यहां पर संस्था जो अध्यक्ष के रोल में, संस्था अध्यक्ष की भूमिका में, यहां पर एक मैनेजर के पास ये वाले क्या होते हैं, अधिकार होते हैं बच्चों, कि कोई से भी वैधानिक प्रपत्र में वो क्या कर सकता है बच्चों, हस्ताक्षर कर सकता है, किसी भी तरह की कंपनी की सामाजिक गतिविधियों में वो भाग ले सकता है, समाज में कोई सा भी कार्यक्रम है तो वो कंपनी की तरफ से जा सकता है बच्चों, कोई सी भी गतिविधि है वहां पर वो संस्था अध्यक्ष के तौर पर जा सकता है बच्चों। और कोई सा भी समारोह हो रहा है, मान लो कंपनी का भैया एनुअल फंक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वहां पर वो क्या है भैया उसकी अध्यक्षता कर सकता है, किसके तौर पर, एक संस्था अध्यक्ष के तौर पर, ठीक है बच्चों। तो जो एक मैनेजर होता है वो क्या है बच्चों, संस्था अध्यक्ष में क्या काम करता है कि पहली बात तो वो क्या है, संस्था का मुखिया होता है। दूसरी बात वो क्या है, वैधानिक प्रपत्रों पर क्या कर सकता है बच्चों, वो क्या है हस्ताक्षर कर सकता है, कोई से भी लीगल डॉक्यूमेंट है वो वहां पर साइन कर सकता है बच्चों। उसके बाद किसी भी तरह की सामाजिक गतिविधियां हो रही है तो वो क्या है उसमें भाग ले सकता है, किसकी तरफ से, कंपनी की तरफ से बच्चों, ठीक है ना। और अगर मान लो कोई सा कंपनी का समारोह हो रहा है तो वो वहां पर क्या क्या कर सकता है बच्चों, वो वहां पर अध्यक्षता कर सकता है। तो पहला रोल ये जो आपके संस्था अध्यक्ष का था, ये रोल में ये वाले सारे काम को करता है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया हो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, वो एक क्या नेता का रोल प्ले करता है, मतलब क्या नेता का रोल भी क्या है, वो क्या है, वो ना जो एक प्रबंधक है वो क्या है निभाता है, ठीक है ना। अब देखो एक नेता का क्या काम होता है, नेता का काम बच्चों यहाँ पर ये होता है कि जो भी कर्मचारी होते हैं उन कर्मचारियों को वो क्या करे, मोटिवेट करे, जिससे वो और ज्यादा काम कर सके। मेरे संगठन के लक्ष्य ये हैं, और ये सारे कर्मचारी
जब ये सारे कर्मचारी काम करेंगे तो मुझे मेरे संगठन के लक्ष्य प्राप्त होंगे या नहीं हो जाएंगे। तो मुझे मोटिवेट किसको करना है, मुझे ये जो कर्मचारी हैं ये कर्मचारियों को ही तो मोटिवेट करना है, जिससे मुझे मेरे संगठन के क्या प्राप्त हो जाएंगे, लक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो एक मैनेजर है वो क्या है बच्चों, यहाँ पर नेता के रूप में क्या करता है कि जो वो मैनेजर होता है वो जितने भी कर्मचारी होते हैं या फिर अधीनस्थ होते हैं वो उन कर्मचारियों को संगठन के जो भी लक्ष्य होते हैं, मतलब एक कंपनी के जो भी लक्ष्य होते हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करता है बच्चों, उत्प्रेरित करता है, मतलब मोटिवेट करता है। वो मतलब कुछ भी बोले, एक मैनेजर कुछ भी बोले कुछ भी करे, बट कर्मचारियों से काम कराना आना चाहिए उसे। एक नेता का काम क्या होता है, मोटिवेट करना होता है, जो भी क्या है मतलब उसके फॉलोअर्स होते हैं उनको मोटिवेट करना होता है। तो यहाँ पर भी बच्चों यही वाली बात है कि जो एक प्रबंधक है वो अपने अधीनस्थों या अपने कर्मचारियों को संगठन के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करता है बच्चों, मोटिवेट करता है कि आओ जागो भैया, उठो और संगठन के लक्ष्य प्राप्त करो। आप क्या है, अगर ऐसे काम करोगे तो आपको संगठन के लक्ष्य क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। ये वाली बात कौन बताता है, एक नेता। और नेता कौन होता है, वही प्रबंधक, क्योंकि यहाँ पर वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है बच्चों, एक नेता का रोल प्ले कर रहा है। तो क्या नेता के रोल में वो क्या करता है, कर्मचारियों को संगठन के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करता है भैया, उत्प्रेरित या मोटिवेट करता है। ठीक है बच्चों, तथा जो संगठन के लक्ष्य है भैया उसमें एकीकरण स्थापित करता है, क्योंकि क्या है सब क्या है, जो भी कर्मचारी आते हैं सब क्या है अपने अलग अलग उद्देश्य लेके आते हैं। मैं तो यार कंपनी में ये काम के लिए गया, मैं तो क्या है कंपनी में ये काम के लिए गया, मुझे तो सैलरी ज्यादा चाहिए, मुझे तो वहां पर कार चाहिए, मुझे तो गाड़ी चाहिए, मुझे तो फ्लैट चाहिए। तो ये सारे लक्ष्यों को हटाकर हमें इस पर फोकस करवाना है, संगठन के लक्ष्य पर, क्योंकि अगर भाई क्या है हमें संगठन के लक्ष्य प्राप्त हो गए, क्योंकि अगर हमें संगठन के लक्ष्य प्राप्त हो गए बच्चों तो ये सारे लक्ष्य तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। ठीक है, आज अगर हमारे पापा का हमने सपोर्ट कर दिया और वो क्या है किसी काम में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गए, तो क्या हमारा काम तो वैसे ही हो जाएगा, हम तो वैसे सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये वाली बात है कि हमें संगठन पे फोकस करवाना होगा, सारे लक्ष्य एक तरफ, मतलब पर्सनल बातें एक तरफ, हमें किस पे फोकस करना है, सिर्फ कंपनी के लक्ष्य। ठीक है, ये काम कौन करवाता है बच्चों, एक नेता करवाता है। ये वाली बात बच्चों आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो क्या नेता के रोल में क्या करता है कि संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, वो भैया उत्प्रेरित करता है, और जो भी संगठन के लक्ष्य है भैया उसमें एकीकरण स्थापित करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है संपर्क अधिकारी। ये वाले आपके क्या नेता का रोल है। अब है संपर्क अधिकारी, देखो यहाँ पे नाम से बिल्कुल क्या स्पष्ट है, क्लियर है बिल्कुल नाम से कि संपर्क अधिकारी जितने भी विभाग हैं, जितने भी बाह्य पक्ष हैं, जितने भी आंतरिक पक्ष हैं, उन दोनों से वो क्या करता है संपर्क स्थापित करता है, मतलब संप्रेषण करता है, कम्युनिकेशन करता है, बातचीत करता है और सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। अब आप बोलोगे कि सर ये आंतरिक और बाह्य क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको, आज भी बता रहा हूं कि आंतरिक पक्ष होते हैं कंपनी के जो भी अंदर के कर्मचारी हैं वो सारे आपके आंतरिक पक्षों में आते हैं, जितने भी विभाग हैं वो सारे आंतरिक पक्षों में। बाह्य पक्ष क्या होते हैं, जैसे आपके जितने भी सप्लायर्स हैं जिससे हम कच्चा माल खरीदते हैं, जितने भी उपभोक्ता हैं, सरकार है, वो सब आपके बाह्य पक्ष में आते हैं, कंपनी से बाहर सारे पक्ष बाहरी होते हैं। मतलब एक संपर्क अधिकारी का बच्चों यहाँ पर क्या काम होता है, क्योंकि एक प्रबंधक यहाँ पे बच्चों कौन सा रोल प्ले करता है, एक संपर्क अधिकारी का रोल भी होता है। तो संपर्क अधिकारी के रोल में वो क्या करता है कि जितने भी बाह्य पक्ष हैं और जितने भी विभाग हैं और जितने भी संगठन इकाइयां हैं बच्चों, उन सब में कौन सी भूमिका निभाता है बच्चों, संपर्क सूत्र की, कि इन सब में संपर्क स्थापित किया जा सके, कि मुझे इन सब की जानकारी मिलती रहे कि ये सब कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, और जो इनको काम सौंपा गया है क्या वो ये काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इन सबसे संपर्क बना रहना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी। तो जो भी
याद करने के लिए आप इसको बच्चों मतलब ऐसे याद कर सकते हो कि जितने भी आंतरिक पक्ष हैं और जितने भी बाहरी पक्ष हैं उन आंतरिक और बाह्य पक्षों के साथ ये क्या करता है, संपर्क स्थापित करता है, उन सबको संपर्क सूत्र में बांध के। ठीक है बच्चों, ये वाली बात आपको आएगी समझ। अब जो नेक्स्ट बात है कि ये वाली भूमिका में वो सूचनाओं के आदान प्रदान, मतलब ये वाली जो भूमिका है ये क्यों महत्वपूर्ण होती है, ये वाली भूमिका सूचनाओं के नहीं क्या है आदान प्रदान, सूचनाओं के आदान प्रदान व समन्वय मतलब तालमेल बिठाने की दृष्टि से क्या होती है बच्चों, महत्वपूर्ण होती है। कि ये वाला जो संपर्क अधिकारी है ये क्या काम करता है, सूचनाओं का भी क्या है आदान प्रदान भी करता है और समन्वय भी स्थापित करता है, तालमेल स्थापित करता है। कि मान लो कोई क्या भाई क्या विभाग है वो दूसरे विभाग की कोई बात नहीं सुन रहा, तो वहां पर क्या है कार्य तो सारे विभाग मिलकर ही करेंगे, तो वहां पर क्या है तालमेल स्थापित किया जा सके। तो ये एक संपर्क जो क्या है अधिकारी होता है वो संपर्क सूत्र की भूमिका निभाता है। ठीक है ना, ये वाली बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है बच्चों। और ये जो आपके संपर्क अधिकारी की भूमिका है ये सूचनाओं के आदान प्रदान और समन्वय की दृष्टि से बहुत ज्यादा क्या होती है बच्चों, महत्वपूर्ण होती है। ये वाले बच्चों आपके तीन भूमिकाएं थी, पहली तो है बच्चों आपकी अंतर व्यक्ति भूमिका, ठीक है ना, और सूचनात्मक भूमिका है और आपके निर्णयात्मक। यहाँ पर हमने सबसे पहली वाली देखी अंतर व्यक्ति भूमिका, सबसे पहला था आपके संस्था अध्यक्ष, यहाँ पर वो मेन रोल प्ले करता है, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है वहां पर वो क्या कर सकता है सिग्नेचर कर सकता है। नेता है और क्या वो क्या है नेता के रोल में क्या करता है बच्चों, नेता के रोल में जितने भी कर्मचारी उन कर्मचारियों को संगठन के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है ना, नेक्स्ट संपर्क अधिकारी जो क्या होता है मैंने आपको अभी भी बताया था, फिर मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ कि जितने भी पक्ष हैं उन सबसे संपर्क स्थापित करता है, सूचनाओं के आदान प्रदान करने का कार्य करता है और समन्वय मतलब तालमेल बिठाने का कार्य करता है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में बस आपके इतना ही, कल जो नेक्स्ट वीडियो में आपके बनाऊंगा वो बनाएंगे सूचनात्मक भूमिका और फिर उसके बाद हम बनाएंगे निर्णयात्मक भूमिका। तो आई होप आपको ये सारी बातें बच्चों समझ में आ गई होगी, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, और बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहिए सीएम कॉमर्स कोटा के साथ। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।